जैसे आपने कहा ऑथेंटिसिटी और एक सेंस ऑफ रिलम, ये बहुत जरूरी है जब हम लोकेशन स्काउटिंग या जब हम अपने फीचर फिल्म या किसी भी तरीके के एंटरटेनर के अंदर जब हम लोकेशन देखते हैं, पर कहीं ना जी कहीं वो लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रह जाती है, आगे हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारा सीन होता है वो होता है। तो आप ये बताइए कि वाइल लोकेशन डिसाइडिंग, जब हम फिल्मिंग करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो लाइवलीनेस, वो एक सेंस ऑफ रियलिटी एक लोकेशन के अंदर, चाहे वो एक कमरा हो, चाहे वो एक बिजी रोड हो, एक मार्केट का सीन हो, वो लाइवलीनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है लोकेशन के अंदर, कि इंसान को लगे वो पिक्चर देख नहीं रहा है जबकि वहां है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, ये इसके अंदर काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। ये काफी हद जी तक आपके डीओपी और डायरेक्टर का भी एक बहुत बड़ा जी समझ की जरूरत होती है इस चीज के लिए। बाज दफा जी हम लोकेशन को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्पोर्ट्स ड्रामा शूट कर रहे हैं और अगर जी आप ऑडियंस को स्टेडियम में, अगर मिडल ऑफ द स्टेडियम अगर आप लेके चले जाते हैं, तो ये एज अ फिल्म मेकर आपकी बहुत बड़ी जीत है कि वो एक्शन जो है जी वो फ्रंट बेंच से देख रहा है। इसी जी तरीके से अगर आपकी कोई भी फिल्म हो किसी भी तरीके की, आपको हर लोकेशन को वैसे ही एक्सप्लोर करना चाहिए कि जी जिन्होंने वो नहीं देखा। एक दौर था जिस वक्त हमारे यहाँ, जब हिंदुस्तान के अंदर जो FDI नहीं आई थी और जी इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, तब लोग बहुत ज्यादा फॉरेन नहीं जाते थे, तो जी ज्यादातर लोग जो है SG की फिल्म के जरिए स्विट्जरलैंड और यूरोप को देखा करते थे और उनको लगता जी था कि ऐसा, तो वो एक्चुअली लिटरली वहां पहुंच जाते थे और उनको लगता था कि शायद ऐसा होता होगा। अब जी चीजें बदल गई हैं, मगर ये रिक्वायरमेंट वही की वही है। ये बहुत जरूरी है कि आप उनको मिडिल ऑफ द एक्शन लेके चले जाएं। सिर्फ खूबसूरत जी लोकेशन होना काफी नहीं है, आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना भी, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई जी कब बाज दफा ऐसा होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो सीन में वो कुछ और है, तो वहां पर सिर्फ जी आप गॉर्जियस लोकेशन दिखाने का जो पर्पज है वो जी आपकी फिल्म को डिफीट कर देता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कहानी क्या है, जी किस तरीके की लोकेशंस को आप उसके अंदर रखना चाहते हैं। देखिए, और जी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, नॉर्मली बिकॉज क्या होता है जब आप बड़े स्टार्स के साथ में शूट कर रहे हैं तो जी रियल लोकेशंस के ऊपर शूट करना डिफिकल्ट हो जाता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ जी व्यू से। जी ऑन लुकर्स बहुत आ जाते हैं, जी परमिशंस नहीं मिलती हैं, फिर लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जी जी लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। लेकिन जी सेट के ऊपर जब आप शूट करते हैं तो ये सब चीजें जो है वो आपकी बहुत आसानी से मैनेज हो जाती हैं, सब कुछ जी कंट्रोल्ड होता है। लेकिन जो रियल लोकेशंस के ऊपर जो एनर्जी मिलती है, जो वाइब्स मिलती है, जी वो जी अनपैरेलल्ड है। वो आप किसी तरीके जी से सेट के ऊपर, डेड सेट के ऊपर आप क्रिएट नहीं कर सकते। जो अभी जी अभी पेंट हुआ है, अभी अभी बना है और आपने उसको एजिंग करा हुआ है, वो आपको पता है कि वो फेक है। समवेयर जी एक्टर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, जब वो रियल लोगों के बीच में रियल लोकेशन पर खड़े होते हैं, वो वाइब्स अलग होती है। मुश्किलें होती हैं, जी चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आपने उनको, अब इसी के लिए कभी गोरिल्ला शूटिंग जो है वो की जाती है कि रियल लोकेशंस पे जब जी आपके पॉपुलर प्लेसेस हैं तो आप किस तरीके जी से शूट करते हैं। अगर जी आप देखिए तो हॉलीवुड जो है वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। वो जी लोग जब मिडिल ईस्ट को शूट करते हैं या वो साउथ एशियन कंट्रीज को शूट करते हैं, तो वो आपको जी एक्चुअली मिडिल ऑफ द एक्शन लेके चले आते हैं। हम जी इवन रियल लोकेशंस के ऊपर भी, मोस्ट ऑफ द लोग जो है हमारे से वो फिर भी स्टेज लगता है। तो ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लोकेशन पर जहां पर गए हैं उस वाइब्स को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करें, उसको एक्सट्रैक्ट करें अपनी फिल्म के अंदर, तो मैजिकल संजय होता है वो जी, चीज। लोकेशंस के साथ थोड़ा खेलना चाहिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, एक एक फेकनेस नहीं होनी चाहिए। पर हम फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे चेंजेस होना, चीजें बदल जाना, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है हम सबकी। तो अगर एक लोकेशन डिसाइडेड है पर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होते हैं, तो ऐसे कौन सी टेक्निक्स हैं जो एक फिल्म मेकर आपके हिसाब से उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो लोकेशन को स्टोरी के हिसाब से भले कुछ इधर उधर हो, चीजें सब कुछ सेट ना हो, पर उसको चेंज कर सके अपने एडवांटेज में? देखिए, एक तो ये होता है कि तन्वी, सबसे पहले जब हम किसी लोकेशन को डिसाइड करते हैं, हम जानते हैं कि जी वहां हमें क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। लॉजिस्टिकली नाइटमेयर जी होने वाला है रियल लोकेशंस जी के ऊपर। अगर आपके पास में एक जी पॉपुलर फेस है, स्टार है, तो बहुत सारी, जैसे जब मैं लाहौर शूट कर रहा था तो हुआ ये कि मेरे को जामा मस्जिद के अंदर सीन शूट करना था जी और मैं बादशाह मॉस्क को चीट कर रहा था। मेरे पास में एक्सटीरियर लाहौर में शूट किया हुआ था, लेकिन जी इंटीरियर मेरे जो था वो, क्योंकि मेरे एक्टर्स जो हैं वो जी लोग वहां पर थे नहीं, तो मुझे जी क्रोमा के जरिए शूट करना था। तो और बादशाही मॉस्क और जामा मस्जिद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है,
राइट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर शूट करता हूँ, लेकिन हम लोगों ने राइट 5:30 बजे का वक्त जो है वो शूटिंग का मुकर्रर रहा, और हम लोग उस टाइम पर अपने एक्टर्स के साथ में पहुंचे। शायद जी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि तकरीबन 3-4 हजार लोग कहाँ से आए, हमें नहीं पता चला कि वो सारे लोग जो अच्छा है वो जामा मस्जिद के अंदर आ गए। अच्छा 2009 की ये बात नौ है। जी तो वो जी मतलब हम जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर्स थे या जो लोग थे, उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। अब जी सब लोग कंट्रोल थे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जब इतने क्राउड को देखते हो, हर तरफ भीड़ जी है, तो आप वो जी भी लेंस लगाओगे, आपको सारे लोग जो है वो नजर आएंगे, तो आपका पर्पस डिफीट जी हो गया। फिर जी जी उस वक्त हमने ये डिसाइड किया कि अब इसको शूट करना है, तो अब ये वैसे ही हो सकता है। तो हमने अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे जो है वो ये शूट किया, जी कि और कोई ऑप्शन नहीं था, उसी लोकेशन पे शूट करना था। आप टाइमिंग चेंज कर लेते हैं आप, बिकॉज देखिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जैसे हम लोग मैजिक आवर में शूट करते हैं, वो एक 15 मिनट जी की विंडो होती है। उस 15 मिनट की विंडो के लिए आप 4-5 घंटे जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, और एग्जैक्टली जी 15 मिनट के हिसाब से प्लान करते हैं और अपनी चीजें ले लेते हैं। सेम है आपका इन लोकेशंस के लिए, बिकॉज आपको पहले से वेल प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप हाफ प्रिपेयर्ड जाएंगे, वहां पे कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आएंगे और जी परमिशंस की, बहुत सारी चीजों के आ सकते हैं। तो हर चीज को पहले से ही सोच के आप उसके लिए एक, और जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज रीटेक्स वगैरह अवॉइड करिए जितना जी हो सके, बिकॉज एनर्जी आपको पहले शॉट्स में ही मिल जाती है, लेकिन जी उसके लिए आप पहले वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, और जी कोशिश करिए कि जो टाइम आपने डिसाइड किया है उसी टाइम के अंदर खत्म कर लें, क्योंकि उसके बाद में जी फिर अगर आप नेक्स्ट डे भी कोशिश करते हैं, अगर मेरा जी काम चल गया मॉर्निंग में शूट करने से, लेकिन अगर किसी का जी आफ्टरनून का टॉप्सन का सीन है, इवनिंग का है, जी तो फिर वो आप किसी जी भी दिन शूट करें, एक बार जब ये बात फैलती है तो वो जंगल में आग की तरह से फैल जाती है, और फिर वहां पर इतने लोग होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो जी फिर वो स्टेज लगने लगता है, बिकॉज हर आदमी जो है वो कैमरा में देख रहा है, मुश्किलें होने जी लगती हैं, जी स्पेशली तो मार्केट वगैरह के अंदर आप शूट कर रहे हैं, बिल्कुल क्राउड प्लेस वगैरह के अंदर। जी जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी के पास अगर उतना नेसेसरी बजट नहीं है एक फिल्म को शूट करने के लिए, अच्छी अच्छी लोकेशंस जो हम बोलते हैं कि बड़े हाइलाइट्स कैप्चर करने का नहीं है, तो बजट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पर फिल्म का एस्थेटिक जरूर देना है फिल्म मेकर को, तो वो कौन सी उन लोकेशंस को अपने दिमाग में रख के चले कि स्क्रिप्ट का जो एसेंस है वो काम में आए, और कैसे कम में ज्यादा का एक्सपीरियंस ऑडियंस को दिया जा सकता है? देखिए तनवीर, सबसे इम्पोर्टेंट जो है किसी के लिए भी वो मतलब सिर्फ ब्यूटिफिकेशंस के लिए ही लोकेशंस का होना फिल्म के अंदर कोई मायने नहीं रखता है। दरअसल अगर जी आपकी स्क्रिप्ट जो है वो डिटरमाइन करती है, उसकी रिक्वायरमेंट के जी हिसाब से जी आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी फिल्म के लिए किन चीजों की जरूरत है। अगर आप एक लव जी स्टोरी बना रहे हैं, तो उसमें जरूर आपको रोमांटिक लोकेशंस जो है वो रोमांस दिखाने के जी लोकेशंस को सॉन्ग्स के लिए हम लोग जनरली जी यूज करते हैं। जी एक जो जो मेरा पर्सनल मानना यह है कि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो है खूबसूरत लोकेशंस को सोचते हैं कि सॉन्ग्स को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम उनको जी सीन्स में इंकॉर्पोरेट हम बहुत कम करते हैं। जी इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, और नॉट नेसेसरी कि हर लोकेशन जो है वो उतनी ही महंगी होती है, या जी बट ये बहुत जरूरी है कि वो आपकी फिल्म के साथ जेल करनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड होनी चाहिए, आपकी उसकी जी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप को कुछ लोकेशंस अवेलेबल हैं तो आपने वहां शूट कर लिया, या कुछ अवेलेबल जी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट में आपने कुछ भी शूट कर लिया, उसकी वजह जी होनी चाहिए। अगर आप जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिखा रहे हैं, तो समथिंग वेरी सिमिलर टू 7 रेस कोर्स जैसा ही कुछ होना चाहिए जो उसके आसपास जी लगे वो आप। जी तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिहाज से जी उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ना केवल लोकेशन संजय जी, बट मेरे हिसाब से जो हम प्रॉप्स यूज करते हैं सेट्स के ऊपर और जो कुछ चीजें रखते हैं जो हमें सीन को एनहांस करने में, वो भी बहुत जरूरी है वहां पे एब्सोल्युटली, मौजूद होना। बिल्कुल। बिल्कुल, और इसी के साथ जी संजय जी कहिए 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 जी। प्रोडक्शन डिजाइन जो है वो बहुत अहम हिस्सा है लोकेशंस के साथ में, जी और ये उसी का ही प्रोडक्शन डिजाइन का ही एक पार्ट है फिल्म के अंदर लोकेशंस का होना। आप इसका तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत अमेजिंग होता है, अगर आप सही तरीके से जी अपनी फिल्म्स के अंदर लोकेशंस का जी इस्तेमाल करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, जी स्केल दिखता है फिल्म का, कैनवस बड़ा दिखता है, और जी जो बहुत जरूरी है किसी भी फिल्म के लिए, आपको वो बिकॉज आप किसी को भी एक ड्रीम वर्ल्ड में लेके जाते हैं, तो वो जी सपना है उसको, और आप उसको मेस्मराइज करके रखना चाहते हैं, तो जी लोकेशंस, प्रोडक्शन डिजाइन अपना बहुत अहम किरदार जो है वो किसी भी जी कहानी के अंदर अदा करते हैं।